Hello student, I am CP Yadav. I will teach you grammar for class 6 today. So, 6 की grammar आज है kinds of sentence. ये second chapter है आपका और second chapter का kinds of sentence. Mainly sentences are of 4 kinds. मुख्य प्रकार से sentence 4 प्रकार के होते हैं. Number 1. असरेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस. असरेटिव जो बात हम खुद कहते हैं, जैसे आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, ही इज रीडिंग, ये सारे सेंटेंस असरेटिव सेंटेंस हैं. इनको हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं. सेकंड नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, हु आर यू, What are you doing? Where has your friend gone? तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं. प्रश्नवाचक हिंदी में इनको कहते हैं, क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक. तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस माने आज्ञा सूचक, जिनको जिनमें हम किसी को आज्ञा देते हैं. स्टैंड अप ऑन योर बेंच, रीड योर बुक अलाउड, जोर से पढ़ो अपनी किताब. प्लीज़ गिव मी योर पेन, किसी से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, किसी से एडवाइस किसी को देते हैं. ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरीके से. तो ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं. और फोर नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेशन माने आश्चर्य, एकदम से कोई बात कहने का. व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, कितनी सुंदर तस्वीर है. हाउ फुलिश यू आर, तुम कितने मूर्ख हो. तो इस तरीके से ये आश्चर्यबोधक सेंटेंस होते हैं. अब इस बुक में एक पैसेज दिया जाता है और एक पैसेज दिया हुआ है, हमने 2 लाइन्स का एक पैसेज लिखा और इसमें आपको ये बताने हैं कि ये सेंटेंस कौन से हैं. देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कौन सा सेंटेंस है. व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक्सक्लेमेटरी, तो हमने इसको लिख दिया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हु इज़ द पेंटर, ये कौन है पेंटर, क्वेश्चन है. और एक्सक्लेमेटरी में ये निशान होता है, एक्सक्लेमेशन का क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मार्क होता है. तो ये होगा इंट्रोगेटिव में हु इज द पेंटर. आई एम द पेंटर, ये असरेटिव सेंटेंस है, आई एम द पेंटर. और प्लीज डू नॉट टच इट, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है. द पेंट इज बैट, ये भी असरेटिव सेंटेंस था. तो इस प्रकार से ये आज काइंड्स ऑफ सेंटेंस मैंने आपको समझाए और उनके एग्जाम्पल भी. इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है वो मैच है जो अगले वीडियो में. इतना आप तैयार करिए और घर पर रह करके पढ़िए. इफ़ यू आर इन, कोरोना विल बी आउट. स्टे एट होम एंड बी सेफ. थैंक यू.